हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ के मैथ के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर की एक्सरसाइज 6.2 लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने एग्जांपल 4, 5 एंड 6 किए थे और आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम क्वेश्चन 1, 2 और 3 को कवर करेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको तुरंत मिल सकें, ठीक है। और यदि लेक्चर पसंद आए तो उसको शेयर और लाइक करना ना भूलें, और जिससे कि आपके फ्रेंड्स भी इसका फ़ायदा उठा सकें, या फिर जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं, ठीक है। चलिए तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1। इन फिगर 6.28 ये डायग्राम है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। हमें इस x की और इस y की वैल्यू निकालनी है और देन शो, और ये शो करना है, दिखाना है कि AB और CD आपस में पैरेलल हैं। तो ये जो आप दो लाइन देख रहे हैं, ये सिंबल होता है पैरेलल लाइन होने का, समांतर होने का। तो इसे हम बोलते हैं ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के समांतर है, या ए बी और सी डी आपस में समांतर हैं। तो हमें ये प्रूव करना है कि ए बी और सी डी जो दो लाइनें हैं, ये आपस में पैरेलल हैं, और ये जो लाइन जा रही है, यह ट्रांसवर्सल त्रियक रेखा। तो हमने ये डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है पहले से ही, ठीक है। तो देखिएगा, पहले हम इसको लेते हैं। हमने पढ़ा था कि जब दो लाइनें आपस में कट करती हैं तो जो आमने सामने के एंगल होते हैं बराबर होते हैं, और आमने सामने के एंगल को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो देखिए, इस पॉइंट पर ये लाइन और ये लाइन कट कर रही हैं, तो ये इस टाइप से जो एंगल बन रहे हैं आपस में आमने सामने हैं, और जब आमने सामने हैं तो ये आपस में बराबर भी होंगे। तो वाई की वैल्यू आ गई सीधे 130। इस पर अभी हमने इसके नाम नहीं लिखे, ये लाइन है ए बी और ये लाइन है सी डी, ठीक है। इस पॉइंट का नाम चाहो तो दे सकते हैं, वरना कोई जरूरत है नहीं। तो एंगल वाई इक्वल टू क्या हो गया, 130 डिग्री, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इस वाले एंगल पे। अगर हमें ये एंगल पता पड़ जाए तो जो, तो हमें x पता पड़ जाएगा, क्यों, ये भी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी वर्टिकली अपोजिट है। अगर ये वैल्यू पता पड़ जाए तो हमें सीधे सीधे x की वैल्यू पता पड़ जाएगी। अब देखिए, अगर मैं ये ऐसे लाइन खींच दूं या ऐसे आर्क बना दूं, तो मुझे क्या बन रहा है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन रहा है। तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। क्यों होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट, सॉरी, लीनियर पेयर क्यों है, क्योंकि दोनों रेज एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये और ये। अगर आप इसको ओ नाम दे दें तो ओ ए और ओ बी दोनों एक ही सीध में आ रही हैं, तो यही कंडीशन होती है लीनियर पेयर ऑफ एंगल की, रेखाओं का क्या, रेखीय युग्म। तो क्या लिख सकते हैं, तो मैं इसको नाम दे देता हूं ए बी सी डी, ये पी क्यू हो गया। तो एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ पी प्लस एंगल पी ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो हमें ए ओ पी की वैल्यू पता है 50 डिग्री, तो हम इसको यहां पुट कर देते हैं, और 50 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो एंगल पी ओ बी इक्वल टू 180 माइनस 50 इक्वल टू 130। तो ये आ गई एंगल पी ओ बी की वैल्यू। तो एंगल पी ओ बी, तो मैं क्या लिख सकता हूं, x इक्वल टू एंगल पी ओ बी, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स।
तो x की वैल्यू क्या आ गई 130। तो देखिए हमें क्या पता पड़ा, x और y की वैल्यू क्या है, सेम है। अब देखिए x और y एकांतर अंतःकोण है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ये दो एंगल्स बराबर कब होते हैं, जब दो लाइनें आपस में पैरेलल हों। इससे क्या सिद्ध होगा, इससे हमारा सेकंड पार्ट प्रूव होगा कि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है। क्यों? क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू सेम मिल रही है, और ये वैल्यू सेम जब ही होती है जब ये दो लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं। तो क्या लिख देंगे, इसका सेकंड पार्ट सॉल्व होगा इस तरीके से, चूंकि एक्स इक्वल टू वाई, क्योंकि दोनों की वैल्यू कितनी है, 130 डिग्री निकल के आई है। अभी मैं इंग्लिश लिख रहा हूं, उसके नीचे मैं हिंदी लिख दूंगा, तो जो बच्चा जिस बोर्ड का है वो लाइन नोट कर लेगा। एंड एक्स एंड वाई आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो चूंकि दिस इज इक्वल टू दिस, तथा एक्स व वाई एकांतर अंत है कोण है, इसलिए ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर वन का सेकंड पार्ट भी, और कंप्लीट भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। क्वेश्चन नंबर टू में कह रहा है, इन फिगर 6.29, ये फिगर 6.29 फिगर है, इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी कॉमा सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। तो ये तीनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं, ऐसा इसने दिया हुआ है। और क्या दिया है, वाई और जेड जो एंगल हैं। अब कैसे पता पड़ेगा वाई एंगल है, तो देखिए इस एंगल के सिंबल के आगे वाई लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ वाई और जेड ये एंगल हैं, और इनके जो रेशियो है वो है 3:7। तो हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है, एक्स मतलब इस एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो एक बात ध्यान रखने की है, ये आपको रेशियो दे रखा है, ये वाई और जेड की एक्चुअल वैल्यू नहीं है। तो यदि आपको इनको एक्चुअल वैल्यू मानना है, तो आपको 3 और 7 में एक वेरिएबल की मल्टीप्लाई करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर x हमको ऑलरेडी दे रखा है, तो हमें अब दूसरा वेरिएबल लेके चलना होगा, और वो हम लेके चल रहे हैं a, ठीक है। तो y की वैल्यू हमने 3a मान ली, और z की वैल्यू हमने 7a मान ली। तो पहले a की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, फिर उस a की वैल्यू से हमारा y 3 into a हमने माना था, a की वैल्यू हम निकाल चुके होंगे, a की वैल्यू या a की मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो y निकल जाएगा, और ए की मल्टीप्लाई 7 में कर देंगे तो z निकल जाएगा, और फिर जो हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पढ़े थे उससे हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं फिर शुरू करते हैं। तो देखिए हमने तीन लाइन ड्रॉ की, ए बी सी डी और ई एफ। ये हमको दिया हुआ है कि ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो ए बी भी ई एफ के पैरेलल होगी, और ये पी और क्यू हमने मान लिया है। ये है हमारा ट्रांसवर्सल, इस पॉइंट को मैंने R1, इस पॉइंट को मैंने R2 और इस पॉइंट को मैंने R3 माना। X ये दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग Y ये है और Z ये है, हमें Y और Z का रेशियो दे रखा है, Y रेशियो Z इक्वल टू 3:7, ठीक है। अब किताब को हम करते हैं बंद और करते हैं इसको सॉल्व। तो देखिए लेट या माना वाई बराबर हमने 3a ले लिया, तथा
जेड इक्वल टू 7a। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो लाइन है ये तीनों पैरेलल लाइन को आप इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एंगल ये होगा वही एंगल ये भी होगा और वही एंगल ये भी होगा। तो हमें जब ये जेड है तो ये भी जेड होगा, ये भी जेड होगा, हमें वाई और जेड की वैल्यू पता है, तो हम इसको और इसको लेके चलते हैं, क्योंकि ऐसे ही ये वाई है तो ये भी वाई होगा और ये भी वाई होगा। अब कोई सा पकड़ लीजिए, आप ये पकड़ लो, ये पकड़ लो, ये पकड़ लो, बात तो एक ही है, क्योंकि ये जो ट्रांसवर्सल है ये तीनों पैरेलल लाइन को कट करता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं y प्लस जेड कर दूं तो ये क्या बन गया, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बन गया। तो एंगल ए आर वन पी प्लस एंगल पी आर वन बी इक्वल टू क्या 180 हो जाएगा। चलिए लिखते हैं, मैं इसको लेके चल रहा हूं, आप इसको भी लेके चल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आर वन की जगह आर टू हो जाएगा या फिर आर टू की जगह आर थ्री हो जाएगा, ठीक है। ए की जगह सी, सी की जगह ई हो जाएगा, ये पी रहेगा सबके लिए। चलिए, तो मैं इसको लेके चल रहा हूं, एंगल ए आर वन पी प्लस पी आर वन बी इक्वल टू 180। क्यों हुआ जी, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। तो हमें ए आर वन पी की वैल्यू कितनी है वाई, पी आर वन बी की वैल्यू है जेड इक्वल टू 180। अब वाई की वैल्यू हमने कितनी 3a मानी थी, जेड की वैल्यू हमने 7a मानी थी, तो 3a प्लस 7a 10a हो गया। तो a की वैल्यू कितनी आई, 180 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल, बराबर 18। अब इस a की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं और इसमें पुट करेंगे तो हमें y और z की वैल्यू मिल जाएगी एक्चुअल में। तो y हमने क्या लिया था, 3a इक्वल टू 3 इंटू 18, तो 18 थ्री जो होता है 54, ये आ गई y की वैल्यू। अब z हमने क्या लिया था, 7a, तो 7 इंटू 18, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 126 डिग्री। अब देखिए, x और z आमने सामने हैं, इसका मतलब क्या हुआ, x और z क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, लिख देते हैं x इक्वल टू z, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, x बराबर z और z कितना था 126, तो यही तो हमें निकालना था x की वैल्यू। क्वेश्चन कंप्लीट। तो क्या x बिना z के निकल सकता था, नहीं। तो y और z बिना a माने निकल सकते थे, नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपको दो लंबाइयों का या दो एंगल्स का रेशियो दे रखा है तो उनकी तो उनको एक्चुअल वैल्यू बनाने के लिए उन रेशियो में सेम वेरिएबल की मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब दोनों वेरिएबल सेम होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए, बस देखते जाइए, क्वेश्चन अपने आप होता चला जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, इन फिगर दिस 6.30 इफ, दिया हुआ क्या है, इफ का मतलब दिया है वो चीज, ए बी पैरेलल है सी डी के, जो ई एफ है ये सिंबल होता है परपेंडिकुलर का, लंबवत, लंब डाला 90 डिग्री पे, ई एफ सी डी से 90 डिग्री का कोण बनाती है, या ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के। तो देखिए, ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के, तथा एंगल जी ई डी, जी ई डी ये पूरा एंगल दे रखा है 126 डिग्री, तो हमें एंगल ए जी ई
एंगल जी ई एफ और एंगल एफ जी ई की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसमें बुक में काटा पीटी ना करते हुए अपनी कॉपी में करते हैं। तो ये डायग्राम मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है, ये रहा। तो एंगल 126 वैल्यू दे रखी है एंगल जी ई डी की, जी ई डी ये है 126। अब देखिए, अगर अब देखो ये एंगल कितना 90 का है, अगर मैं 126 में से 90 घटा दूं तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, कर लेंगे। तो हम पहले इतना काम करते हैं, तो पहले हम एंगल जी ई एफ की वैल्यू निकालेंगे। भाई ये जो एंगल आएगा वो एंगल जी ई एफ ही तो होगा। देखिए अब हम ये देखते हैं कि 126 बन रहा है जो एंगल, वो कौन कौन से एंगल मिलके बना रहे हैं। एक तो डी ई एफ बन रहा है, डी ई एफ प्लस एफ ई जी, इन दोनों को मिला के तो बन रहा है 126। तो इस चीज को हम लिख देते हैं एंगल डी ई एफ प्लस एफ ई जी इक्वल टू कितना 126। अब देखिए 90 डिग्री किसकी वैल्यू है, डी ई एफ की प्लस एंगल एफ ई जी इक्वल टू 126। तो एंगल एफ ई जी की वैल्यू कितनी आई, 126 माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 6, और 12 में से 9 गए कितने बचे, 3। तो ये आ गई एंगल एफ ई जी। तो शायद एक एंगल एफ जी ई भी था, बिल्कुल था। तो पहले लिख लेते हैं क्या क्या चाहिए अपने को। एंगल ए जी ई चाहिए और एंगल जी ई एफ भी चाहिए। चलिए अब हमें चाहिए ए जी, ए जी और ई, ये एंगल चाहिए। मतलब तो जरा ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं ये लाइन खींचूं इस तरीके से, ये खींचता हूं इस तरीके से और ये खींचता हूं इस तरीके से, तो ये एंगल मुझे कितना दे रखा है, 126। तो क्या ये भी 126 होगा, नहीं होगा, ये ए हो गया, ये जी हो गया, ये ई हो गया और ये डी हो गया। तो कौन से कौन हुए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुए, नहीं हुए। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, एंगल ए जी ई इक्वल टू एंगल जी ई डी तो इन दोनों को लिखने के बाद इसके आगे जगह नहीं है तो मैं यहां लिख रहा हूं ब्रैकेट में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ए जी ई कितना होगा, तो हमें जो 126 मिला था तो ये हमको ये दे रखा था, तो ये कितना है, जी ई डी तो ही दे रखा है, जी ई डी तो ही दे रखा है 126। तो यहां वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एंगल ए जी ई इक्वल टू 126 डिग्री, दूसरा आंसर ये आ गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसके ये जो है इसके सामने आएगा। चलिए जी, अब कौन सा एंगल बचता है, एंगल जी ई एफ, जी ई ये तो हो गया, जी ई एफ ए जी ई भी हो गया, तीसरा एंगल कौन सा था, ए जी ई जी ई एफ एफ जी ई
तीसरा एंगल था एफ जी ई, तो एफ जी ई कौन सा है इसमें, एफ जी ई, ये एंगल चाहिए। तो ये 126 आ चुका है, ऐसा हम यहां पे लिख देते हैं। अब देखिए, अब हम इसको, अगर मैं इसको लीनियर पेयर ऑफ एंगल मान लूं, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल मिलके 180 बनाएगा। इस वाले एंगल की वैल्यू मुझे पता है, तो इसकी वैल्यू पता पड़ जाएगी, ऐसा हम कर सकते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं उसको, ठीक है, ताकि डायग्राम भी दिखाई दे वो भी। तो देखते हैं, एंगल ए जी ई प्लस एंगल क्या बोले, ए जी ई हो गया। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, एफ या ई जी एफ प्लस एंगल ई जी एफ। इक्वल टू 180 डिग्री और लिख देंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब देखिए ए जी ई की वैल्यू 126 दे रखी है प्लस एंगल एफ जी ई या ई जी एफ कुछ भी लिख सकते हैं, तो एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल एफ जी ई इक्वल टू कितना होगा 180, और जब ये उठ के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो कितना आया, 10 में से 6 गया 4 और ये आ गया 54 एंगल एफ जी ई। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बाकी के 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको कवर कर लेंगे, और ये भी बहुत आसान इजी हैं, बहुत जब करने बैठेंगे तो आगे आगे होंगे। बस थोड़ा सा अगर आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से कर लेंगे तो बाकी 3 क्वेश्चन अगर आप ट्राई करेंगे तो कर पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी इन बाकी के 3 बचे हुए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन गुड बाय।